अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 31 अक्टूबर टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 5 की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के, नो मीट शॉप विद इन 150 मीटर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, मतलब गोश्त की दुकान जो है किसी भी धार्मिक संस्थान के 150 मीटर में नहीं होगी, ऐसा ये बिल आज पास हो रहा है। दोस्तों ये हो क्या रहा है, खेल देखिए। एमसीडी चूंकि केजरीवाल साहब की है तो उन्होंने दोबारा इंस्पेक्टर राज लाने के लिए दिल्ली में, और मुसलमानों की जो गोश्त की दुकानें हैं अमूमन ज्यादातर वक्फ बोर्ड के बिल्डिंग्स में हैं, मस्जिदों में, कब्रिस्तानों के बाहर हैं। अब ये कैसा कानून ला रहे हैं, इनका यह कहना है कि एक तो रेवेन्यू बढ़ाएंगे, किस तरह रेवेन्यू बढ़ाएंगे, रिन्यूबल कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, जो कुरैश बिरादर कसाब बिरादरी हमारी काम करती है उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। एनुअल रिन्यूअल के नाम पे 7,000 रुपए ले जाएंगे, 12,000 रुपए, 18,000 रुपए। दोस्तों ये आज के अखबार की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये हमारी गोश्त की दुकानें होती हैं मस्जिद के आसपास होती हैं, कब्रिस्तानों को जगह दी जाती है, वक्फ बोर्ड एलोकेट करता है, तो जब हमें एज अ मुस्लिम उससे कोई शिकायत नहीं है तो वहां पे हम दुकान क्यों नहीं खोल सकते। देखिए माना आपका हनुमान मंदिर है उसके पास आप मत खुलने दीजिए, आपकी धार्मिक आस्था है उसका सम्मान करते, मगर इसमें तो नुकसान मुसलमानों का हो रहा है दोस्तों, आपका नुकसान हो रहा है। आप ज्यादातर दुकानें आपकी मस्जिदों के करीब हैं या तो मस्जिदों के नीचे ही वक्फ बोर्ड की तहवील में है, किराएदारी में है। तो ये अच्छा, फिर ये कहते हैं अखबार की खबर आगे कहती है कि आज के ऑर्डर के बाद की जो दुकानें हैं वो नहीं खुलने देंगे, पुरानी वालों की सब्जेक्ट टू रिन्यू। इसमें क्या होगा दोस्तों, जब कोई हमारा कुरैश बिरादर जाएगा रिन्यू कराने तो इंस्पेक्टर उससे कहेगा कि भैया आपकी तो मस्जिद में दुकान है, धार्मिक क्षेत्र में क्यों है, रिन्यू तो हो जाएगी मगर 1,00,000 रुपये रिश्वत दीजिए। तो दोस्तों केजरीवाल साहब की एमसीडी मुसलमानों को लूटने के लिए, इंस्पेक्टर राज लाने के लिए एमसीडी में, रिश्वत का बाजार गर्म करने के लिए आज ये कानून ला रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में ये पूरी खबर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्यों नहीं आप जाते हो मुसलमान नेताओं के पास जो आम आदमी पार्टी में है, उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है। कुरैश बिरादर के ऊपर ये एक तरह से बर्डन बोझ डाला जा रहा है जिसकी सूरत में गोश्त महंगा हो जाएगा।